Hey guys, welcome back to Auditoria once again. तो भाई मॉर्निंग का टाइम है, अभी सुबह सुबह जस्ट सो के उठा था मैं, और अभी चेक करो यहाँ का वेदर कैसा और कभी उत्तराखंड का मॉर्निंग के वाइफ देखो भाई कितनी प्यारी आ रही हो, मतलब प्यारा वेदर, कभी सनराइज होने वाला है और यहाँ से लाइटनिंग जो है ना वो बहुत अल्टीमेट आने वाली है भाई, अलग ही नज़ारा है भाई, अलग ही एक लाइट है। सुबह 6 बज रहे अभी, धूप आने वाली है और ठंड भी बहुत लग रही है। अभी कोई भी नहीं उठा, जस्ट आज चंडीगढ़ जाना है, सुबह सुबह उठ गया मॉर्निंग में, इसलिए थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि आज जल्दी जल्दी देहरादून क्रॉस करना है, काम भी है देहरादून में एक दो, तो वो निबेड़ लूँगा। इससे क्या रहेगा मैं शाम को अपने घर टाइम पे पहुँच पाऊँगा, नहीं तो लेट हो जाऊँगा, इसलिए आज जल्दी उठ गया और मॉर्निंग का टाइम है भाई, बहुत ठंड हो रही कसम से, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं रहा जा रहा, फटाफट चलते थोड़ा सा भाई के घर जाता, चाय चुई पीते, उसके बाद देखते क्या करना है। भाई चेक करो कितना प्यारी सी साउंड आ रही चिड़िया की, देख रहे हो, तो यहाँ पर अभी भी चिड़िया जिंदा है भाई, एक हमारा ये साउंड सुनने में ना बहुत सदियां बीत गई थी, बट आज सुन रहा हूँ, मजा आ रहा सुनने में। बंद होगी मेरे घर के पीछे बैक साइड की इधरी, देख रहे कितना प्यारा सा लग, आज पूरा घर कैप्चर हो गया भाई मेरा इसमें, देख रहे वीडियो में, तो ये पता कैसे कैप्चर हो रहा है, क्योंकि वाइड एंगल है मेरे गोप्रो में, सुपर वाइड व्यू जिसके वजह से पूरा कैप्चर हो गया, और साउंड आपने सुन लिया होगा चिड़िया हो गया, बड़ा प्यारा साउंड था। अब चलते हैं, थोड़ा सा साउंड हो गई चिड़िया भी, क्योंकि मेरा गाँव है, मॉर्निंग के टाइम पर भाई कोई भी नहीं उठा, अभी रेडी होने जा रहा हूँ मैं अपने भाई के घर पर, वहाँ रेडी होते हैं फिर निकलते हैं देहरादून और चंडीगढ़ जाना है। भाई देख रहे हो अभी अपने घर से आया, जस्ट यहाँ पर आके बैठ गया, ठंडा था कितनी और की खतरनाक, वेदर चेक करो भाई यार, पता नहीं क्वालिटी कैसी आ रही गोप्रो में, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट आके तो भाई मज़ा आ रहा है। बस थोड़ी देर में चाय बनेगी, चाय पीते हैं फिर हम भी निकलते हैं। अभी जस्ट भाई आके बैठ गया, थोड़ा सुकून मिल रहा है, ठंड इतनी लग रही है ना बता नहीं सकता मैं, अभी बाइक चलाने पता नहीं क्या हाल होएगा भाई, अभी जस्ट बर्फ भी नहीं गिरी भाई उत्तराखंड में, तभी भी इतनी ठंडी, एकदम ठंडी हवाएं चल रही है, शरीर काट देने वाली, अभी तो शुरुआत है भाई, ठंड स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पर एक बारिश होगी ना बहुत खतरनाक ठंड होती है, फिर तो ये जिस तरह अभी सुबह मॉर्निंग है ना वैसे पूरे दिन सेम ठंड लगने वाली है। वो भी रेडी होते हैं, तो भाई सूरज भी उग गया भाई, सुबह 7:30 बजे तक सूरज देवता भी आ गया हमारे बाहर, हाँ जल्दी है जो यार भाई, और सामने चेक करो भाई, हाँ जल्दी हुआ, जल्दी 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 हमारे रहो, ठंड हो रही भाई अभी भी कसम, सूरज नहीं आया ना, सूर्यदेव जैसे आ जाएंगे वैसे सूरज रोशनी आते हुए थोड़ा थोड़ा गर्मी फील हो जाती है, बट अभी कुछ नहीं फील हो रहा, अभी तो ठंड लग रही है, इस तरफ से हल्की हल्की रोशनी आ रही है, बड़ा मस्त व्यू आ रहा है। गोप्रो पता नहीं कैसे कैप्चर कर रहा है, मैं तो मुँह हाथ धो गया है ना अभी, हालत टाइट हो रखी है, नाक ठंडा हो गया भाई, शरीर ठंडा हो गया, बाल भी ठंडे पड़ रखे, हल्के फुल्के मैंने वहीं पर आग के आगे ड्राई कर लेते, बट अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा इसे सूखने में, तब तक मैं रेडी जाता हूँ, तो चेक करो भाई चेकआउट, मेरा घर भी सही लगता है वैसे गाँव वाला, मेरे को लगा इतना कैंट तो कैमरे पे कहीं आएगा, पर ठीक आ गया, मुँह हाथ धोने के बाद थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है भाई, फटाफट रेडी होते हैं, मैं भी अपने पुराने घर है लाता हूँ भाई, रेडी होते हैं फटाफट और यहाँ से निकलते हैं, आज सीधा चंडीगढ़ जाना है, कुछ रास्ते में जो काम है सारे निबेड़ने, तो निकलते हैं फटाफट। वो आ गया भाई, मेरा भांजा भी उठ गया, ओए है बजाना तू नहीं है नी? है ला नहीं है तो सुबह का ठंड मान नहीं मैं तू नहीं है तू बोल बाय 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 कर दे बाय बाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक बाय बाय। चेक करो 7:30 बज रहे हैं, धूप देखो कितनी खतरनाक आ गई भाई, यहाँ सूरज देखना बहुत जल्दी आते हैं और मॉर्निंग के टाइम में मस्त, अब ठंड खत्म होगी ऑलमोस्ट, वैसे ठंड खत्म होगी और बाइक वैसे ठंड ना लगने ठंड लगेगी थोड़ी देर में। अंदर तो अभी पैकिंग चल रही है भाई, सारा जो गद्दे गुद्दे में निकालते वापस डाल रहा हूँ मैं अपने इसके अंदर, हमारे इधर ना गढ़वाल साइड में ऐसे होते हैं भाई लकड़ के जो होते ना बने हुए रहते हैं, और घर भी देख लो कैसे रहते हैं, पूरी लकड़ की नहीं रहती है, ठंड बिल्कुल नहीं लगती भाई, अंदर से मिट्टी है आपको पता है, जैसे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है, यहाँ से जो ठंड होती है अंदर नहीं घुसने देता और गर्म को बाहर नहीं जाने देता, तो काफ़ी अच्छा है, हमारे तो पुराने हिसाब से घर बने हुए हैं, हमने अभी सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं किए, नीचे फर्श में कर रखी है इसलिए चप्पल यूज़ होती है भाई, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा फर्श में, बट ऊपर का बड़ा प्यारा है भाई, यहाँ बड़ा हीट वगैरह होती है।
भाई जब तक ये जैकेट ना पहनूँ ना रास्ते में भाई ठंड से मर जाता हूँ मैं। मजाक नहीं, राइडिंग जैकेट का ना बहुत फायदे है। सर्दियों में ठंड रुख से रोकता है, गर्मियों में थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि गर्मी बहुत लगती है, बट सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है भाई इन्हें पहन के चलाने ना बाइक वगैरह, ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी आपको। और जब भी मैं कहीं राइड पे जाता हूँ ना तो मेरे जो साथ के फ्रेंड होते हैं, मेरे भाई होते हैं ना, थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं मेरी वीडियो बनाने की वजह से। रीज़न क्या है, मैं थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ, थोड़ा नहीं वैसे काफ़ी लेट कर जाता हूँ, फ्रेंड मेरे को यार इंपॉर्टेंट टाइम मेरी वीडियोज़ को वगैरह। रीज़न क्या है, मेरे को आने वाले फ्यूचर में पढ़ना हर एक मोमेंट देखना है ताकि मैं देख पाऊँ मैंने क्या क्या भाई लाइफ में क्या अचीव किया। बट जो मेरे साथ वाले हैं ना वो ये चीज़ समझ नहीं पाते, उनके लगता है यार नॉर्मली तो है क्या है, बट एक्चुअल में देखा जाए ना तो भाई मेरे पास एटलीस्ट मेरे 2 से 3 साल की मेमोरीज़ है जो आपके पास नहीं है। वो आ गया भाई, ज़्यादा ज़्यादा गालियाँ ही दे गए, करे 1 घंटे से क्या कर रहा है, जल्दी नहीं आ सकता और आ रस के दहाड़। पर मज़ा आता है यार भाई मेरे को ना, सीरियसली कह रहा हूँ, जो मेमोरीज है ना। हाँ मेरे जो बड़े भाई प्रवीण है ना, प्रवीण भाई हैं जो हमारे, वो अच्छे से भाई इस चीज़ को ना मैनेज कर पाते, कहते कोई नहीं आराम से चलेंगे, उनके साथ मज़ा आता है मेरे को वीडियो बनाने क्योंकि मेरे को उनमें टाइम की वो नहीं होती है कि भाई जल्दी जल्दी जाना, आराम स्लो रात हो जाए पर स्लो ही जाना है, ये चीज़ बेस्ट है उनके साथ। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं हम, सबसे पहले अपनी ईवल को करते हैं कोल्ड स्टार्ट, और अभी मेरे साथ अभिजीत भाई बैठ रहे हैं पीछे मेरे, और आगे जस्सी भाई चलेंगे सोलो राइड कर रहे हैं। उनके बाद अपना बैग दे दिया, रीज़न क्या है भाई, अपनी आर1 पे ना बैग लगा लटका के बाइक चलाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, वैसे इसका पोस्चर काफ़ी ज़्यादा डाउन है, बैग लगाने के बाद पूरा प्रेशर शोल्डर पर आता है तो मेरे को पसंद नहीं है। तो अभी मैं और मेरे भाई अभिजीत जो हम पीछे इस बार ईवल पर जा रहे हैं, अभी इनको हमने जाना देहरादून। रीज़न क्या है कि मेरे जो बड़ा भाई है जस्सी भाई, उनका कुछ काम है और अभिजीत भाई थोड़ा घूमने फिरने के शौकीन है तो वो भी देहरादून तक आ रहे हैं, और इन्होंने टिकट भी बुक करानी, लास्ट टाइम चिनारी छोड़ गए थे बट टिकट बुक नहीं हुई थी, इनको भी निकलना है अपना जॉब के लिए दुबई वगैरह, तो ये भी अपने टिकट वगैरह बुक करा देंगे। तो यहाँ से निकलते हैं, और परछाई में आप देख रहे होंगे पीछे मैंने पिलियन उठा रखा है, सबसे पहले हमें यहाँ से जाना देहरादून, देहरादून के बाद आगे का जो काम है उनका स्टार्ट होगा। बट ये जो रास्ता है ना काफ़ी ज़्यादा डेंजर रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा टफ रहने वाला है भाई। यहाँ पर ईवल पे के पावर की ऐसी कमी लग रही है मेरे को, मैं पहला गियर दूसरा गियर कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से इसकी एवरेज में भी भाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। बट राइड को एंजॉय करना तो भाई तेल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं और हाईवे पे निकलते हैं, जो हमारे इधर छोटा सा एक हाईवे देहरादून वाला, उसको पकड़ते हैं, उसके बाद आपसे वहीं पर आके मिलते हैं। तो यहाँ का जो एरिया ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं व्यू। तो गाइस वाली रोड सबसे डेंजर है भाई, इस वाली रोड पे हम 2 घंटे से सफ़र कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा ऑफ रोड इसी रोड पे है। यहाँ पर भाई बाइक चलाना ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टफ है क्योंकि मैंने पिलियन बिठा रखा, प्लस इसमें ब्रेकिंग सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, और रोड कंडीशन आप देख सकते हैं जब सूरज की रोशनी पड़ रही है ना भाई, तो धूल में और सूरज की रोशनी के साथ जब रिफ्लेक्ट हो रही है ना, रोड कुछ दिख ही नहीं रहा रास्ते में क्या हो रहा है। यहाँ सबसे डेंजर पैच है क्योंकि कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा भाई, हमें रियल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही थी धूप की, और जो रोड में मिट्टी देख रहे हो आप इसमें तो और ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्ट आ रहा था। तो भाई यहाँ ना बाइक चलाना काफ़ी ज़्यादा डेंजर था ना, यहाँ पर आप वाइजर बंद कर सकते हो ना ओपन कर सकते हो, वाइजर बंद कर दोगे बाहर से धूल ही धूल चिपक के आपको वहाँ भी कुछ नहीं दिखेगा, और ओपन कर दोगे तो आँखों से वैसे ही नहीं दिख रहा भाई, इतनी ज़्यादा गंदी रिफ्लेक्शन आ रही थी भाई। किस्मत इतनी ख़राब भाई आज के दिन ना, यहाँ पर बाइक का मैं कह रहा हूँ भाई बड़ी मुश्किल से चला रहा था मैं, जो मैंने सोचा था वो तो हुआ नहीं, कमर में उल्टा पेन होने लग गया। पीछे जो भाई बैठ रखा था वो भी कह रहा भाई बाइक रोक दे 15 मिनट के लिए, मैंने कहा भाई एक बार ये रोड खत्म होने दो उसके बाद बाइक रोक लेंगे। तो भाई इस रोड को फटाफट क्रॉस करते हैं और निकलते हैं फटाफट, सुबह खोली थोड़ा सा बचा हुआ, ज़्यादा लंबा नहीं है डिस्टेंस। यहाँ सामने आपको जो मोड़ दिख रहा होगा ना आने वाला है जो मोड़, तो वहीं से हमें निकलना है भाई, मसूरी वाली रोड मिल जाएगी और ये रोड खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो यहाँ से फटाफट हम क्रॉस करते हैं और सुबह खोली पहुँचते हैं वहीं जाके आपसे। यहाँ पर थोड़ी देर साफ सफाई की और खाना खुना खाया, अभी यहाँ से दोबारा निकलते हैं, ईवल हमारे रेडी है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये सुबह खोली है भाई, यहाँ से मसूरी जस्ट 12-13 किलोमीटर समथिंग है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। बट आज हम एक न्यू रास्ते जाने वाले हैं जहाँ जस्सी भाई बता रहे हैं, तो नए रास्ते जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, थोड़ा हम भी एक्सप्लोर कर लेंगे। और भाई कह रहा था शॉर्टकट है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई, शॉर्टकट भी मसूरी के अंदर से जाएगा, मेरे को वैसे रास्ता नहीं पता उधर का क्योंकि मैं बेसिकली स्टेट रोड से जाता हूँ। रीज़न क्या, इससे बंदा थोड़ा कन्फ्यूजिंग कम रहता है, कन्फ्यूज कम होता है, इसमें कन्फ्यूजन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो फटाफट चलते हैं देखते कहाँ भाई इस बार। तो भाई जैसे हम ये ऑफ मतलब और शॉर्टकट में आए, जस्सी भाई लेके आए ना भाई, तो मजाक नहीं मैं सीरियसली कर रहा हूँ, आप सीधा रोड जाना, इनकी बात कभी मत सुनना, ये शॉर्टकट सिर्फ दिखने के लिए है भाई, असल में बहुत लॉन्ग कट पड़ जाता है, यहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा है, प्लस एकदम खड़ी उतराई है भाई, तो बाइक में ब्रेकिंग लगानी पड़ती है, रेस देने की जरूरत नहीं, ब्रेक यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात भाई ज़्यादा यहाँ से डिस्टेंस बढ़ जाता है, शॉर्टकट नहीं है भाई ये नहीं इसलिए लगता क्योंकि रेगुलर आते थे, इनको लगता है यहाँ से पास है, बट एक्चुअल में बहुत लंबा पड़ जाता है। हम मसूरी के घंटाघर से होते हुए जा रहे हैं भाई, मसूरी में भी घंटाघर है एक, वहाँ से जा रहे हैं, और ये देख रहे हो आप कितनी उतराई है, बुरे हाल हो जाते हैं, आप कभी मत ये शॉर्टकट में लेना, यहाँ से भाई बाइक मोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है, देख लो एकदम उतराई है। फटाफट देहरादून क्रॉस करते हैं फिर निकलते हैं भाई यहाँ से।
तो गाइस फाइनली एक अच्छी रोड मिली भाई, जैसे हमने ये शॉर्टकट क्रॉस किया देहरादून के लिए, और अब यहाँ से हम थोड़ा बाइक खींचते हुए जा रहे हैं। अपनी नीलिमा तो A1 लग रही है भाई साइड से, बट अपनी A1 में ना भाई पिलियन बैठाने के बाद थोड़ा ना दिक्कत आ रही, पावर ड्रॉप लग रहा है, और प्लस जो सस्पेंशन है इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब गड्ढों में ऐसा लगता है जैसे ना सस्पेंशन उछल के मेरे को बाहर फेंक देगा। तो अभी यहाँ से फटाफट चलते हैं मसूरी क्रॉस करते हैं, सॉरी देहरादून क्रॉस करते हैं और आगे निकलते हैं। अभी ईवल जो अपनी ना भाई थोड़ा धराटे काट रही है, बट अभी माइक खराब हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बट उतराई में तो इतनी पावर का ड्रॉप नहीं लगता है जितना वैसे लगता है। तो यहाँ से जस्सी भाई और सब निकल गए थे, मैंने क्लिप काट दी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, तो यहाँ से मैं अकेला हो गया, मेरा बैग मेरे पास आ गया, बाइक सोलो हो गई है। अब यहाँ से सीधा निकलते हैं, मौसी के घर भी जाना है, वहाँ पर थोड़ा काम है, मौसी ने बुला रखा था। मैं एटलीस्ट देहरादून और चंडीगढ़ के बीच में रेगुलर ट्रैवल करता हूँ, महीने में 2-3 गेड़े बसते रहते हैं, बट मैं अपनी मौसी घर कभी नहीं गया। तो उन्होंने इस बार कॉल की थी मेरे को और कहा इस बार यहाँ आना, नहीं तो भाई बच के मत जाना, नेक्स्ट टाइम बच लेना मेरे से, ऐसे बोल के धमकी दे दी। तो मेरे को जाना ही पड़ेगा एक बार उनके पास भी, तो चलते हैं फटाफट और उनके घर होके। तो भाई 1-1.5 घंटा मैं अपनी मासी घर में बैठ रखा था, ये मेरी छोटी बहन भी है, मासी दो मासियाँ हैं मेरी और एक छोटी बहन है। तो ये मैंने बहुत कुछ बोला बट मेरे माइक ने कैप्चर नहीं किया, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही भाई, इसलिए रीवॉइस करनी पड़ रही है, और मैं वो फीलिंग बता नहीं सकता जो उस टाइम पे थी। अभी तो भाई सिर्फ जस्ट मतलब वॉइस में हल्का फुल्का बता सकता हूँ, बट उस टाइम पे जो फील था ना भाई, जो मैं वॉइस में बोल रहा था वो अलग चीज़ लेवल का था भाई। तो ये देहरादून में था मैं 15-20 मिनट नहीं, मतलब ये लगा लो 12 बजे पहुंच गया था और 4 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ, चंडीगढ़ निकलना धूप खत्म होने से पहले। तो मेरी छोटी वाली मासी मेरे को कह रही थी कि यहीं रुक जाते, हम लड़की लुड़की ढूंढ लेंगे, तो मैं इसी बांध के पीछे ना मासी पे तो हाथ उठाया, मतलब वैसे मजाक मजाक में, अरे छोटी बहन भी है मासी भी है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और अब हम निकलते सीधा चंडीगढ़ के लिए। तो भाई मैं मासी के घर से निकल गया और रास्ते में भाई मेरे को दिखा एक NS वाला भाई, कसम से बहुत डेंजर ड्राइव कर रहा था, बट एटलीस्ट 125 NS थी उसके पास, जो बाइकिंग थी ना भाई, मैं उसे कह रहा था बच के चलाई गिर ना जाए, और इतने में वो गिरी गया भाई। तो मैंने उसे संभाला भाई, बहुत स्लो स्पीड में गिरा, ट्रैक्टर के आगे मरते मरते बचने वाला था ये। तो मैंने इसे भाई थोड़ा रोका, मैंने कहा भाई ठीक है ना बाइक उठाने के लिए, मैं आगे गया, मैं कहा रुक भाई मैं और हेल्प करता हूँ, बट बीच रोड पे मैं बाइक लगा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चला गया और यहाँ पहले बाइक लगाते हैं। तो भाई को मैंने कहा कि भाई पहले बाइक चाबी बंद कर, फिर बाइक उठा, और अगर भाई जैसी बाइक उठाई तो मैंने कहा रुक जा भाई आगे आ जा, ऐसे मत चला, काफ़ी डेंजर ड्राइव कर रहे हो, थोड़ा स्लो चलाओ। तो मैंने बाइक लगाया, उससे पूछे हाल चाल कि भाई ठीक है, कहीं लगी तो नहीं है। तो वो भाई खुद ही आ गया था और उस भाई को मतलब सही लगा, मतलब अप्रिशिएट कर रहा था मेरे को कि यार भाई थैंक यू यार आप रुक गए। तो मैंने कहा यार भाई आपकी कौन सी है, 125 है या 160 है, तो कह रहा 125 है। तो भाई मेरे को ना सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया था इस लड़के से, 125 बाइक लेके चल रहा भाई, और मेरे को ये लगा लो मेरे को वेट कर रहा था, वो भी अपनी ईवल के साथ, दो बंदे थे वो, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ड्राइव कर रहे थे वो बाइक में। तो मेरे को ये चीज़ देख के ना काफ़ी ज़्यादा सही लगा और मैंने अप्रिशिएट किया कि भाई मस्त राइडर हो यार, ऐसी मतलब बाइक की जो स्किल्स होते हैं ना हर किसी के पास नहीं होती, जो तुम्हारे पास है। तो भाई ने भी भाई मेरे को कहा कि थैंक यू सो मच भाई, हर कोई ऐसे नहीं कहता है। तो एक चीज़ जैन बताता हूँ मैं, आप जो सारे लोग कहते हैं ना ये सामने जो छपड़ी राइडर है छपड़ी राइडर है, तो भाई आप इन्हें वीट नहीं कर पाओगे। रीज़न क्या है, आप जो इनको वो नहीं कर सकते ना, इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप इन्हें छपड़ी राइडर बना देते हो। पर एक्चुअल में ना भाई ये जो बंदे हैं ना राइडर बहुत दमदार था, इस बंदे ने अपनी NS 125 से भाई मेरी ईवल को हराया। तो ऐसे पता लगता भाई कि बंदे में दम था, और बंदा भी सोलन मतलब सोलन साइड का रहने वाला है और शिमला जा रहा है आज, NS 125 है, देहरादून की बाइक है। तो बाइक बहुत खतरनाक चला रहा था भाई, 125 सीसी बाइक को भाई बंदे ने 80-90 में भगा रखा लीन पे भी, और उतने पतले टायर थे ना भाई, मैं तो हैरान था भाई कैसे बंदा लीन कर रहा है इसमें। और भाई काफ़ी ज़्यादा मैं खुश था इसकी स्किल्स देख के, मैंने इसे अप्रिशिएट किया। फिर ये मैंने कहा भाई ठीक है चलते हैं साथ में ही, तो भाई पीछे से आ गया, मैं आगे निकल गया था, तो अभी आगे चलते देखते क्या रहता आगे का सीन। तो गाइस यहाँ से हम निकलते फटाफट चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ पहुँच गए। तो भाई चंडीगढ़ जैसे ही पहुँचा मैं, तो आपको एक बात बतानी है, जल्दी हमारी बाइक की सर्विस आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी सर्विस के रिगार्डिंग आएगी। और अगर आप पहली बार में चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, मिलते किसी और वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बाय बाय।